हेलो। हेलो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अभी। हाँ बताओ ना। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? मैंने तो कुछ किया नहीं लेकिन। अरे कल ही तुम्हारे पापा ने मुझे प्रपोज किया, मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। क्या? देखो देखो जैसे मेरे राधे। दो दिन पहले मैं पार्टी में गया। हाँ। तो पुरानी दोस्त मिल गई मेरी। मैंने कहा और क्या हाल है, कैसी हो? मैंने कहा अब तो तुम्हारा नंबर ही बदल गया होगा। कह रही नहीं, वही 34। जो ही आपसे एक क्वेश्चन था, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? हाँ, हम सब कुछ खा लेते हैं। गु छोड़ के गोभी खाती हो? गोभी। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि ये आज की जो जवान नथल है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। क्यों? वो जहाँ से निकले हैं वहाँ घुसने के चक्कर में। करती क्या है? मेरी दो बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्रीज हैं। दूध फैक्ट्रीज? हाँ। अगर आज रात 9 बजे तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अपनी दोनों फैक्ट्रीज के दर्शन दूंगी। और मुफ्त में भी दूंगी। क्या? दूध। दूध श्योर श्योर, मैं जरूर पीऊंगा। आऊंगा, आऊंगा। अरे अनिल, क्या है? मच्छर बहुत काट रहा है। अच्छा, वो अंकल को जाके पूछ, मच्छरदानी है क्या? अरे अंकल, मच्छरदानी है क्या? अमीर आदमी अमीर क्यों होता है आप बताइए? प्लानिंग होती है हर चीज की, प्लानिंग। हाँ। बिजनेस प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। एक बेबी हम अभी करेंगे, एक 2 साल बाद करेंगे। गरीब की कोई प्लानिंग नहीं, लाइट गई प्लानिंग शुरू। पापा आप इतना काम करते थकते नहीं? क्या करूं बेटे, पैसे के लिए करना पड़ता है। पापा हम सब अमीर कब बनेंगे? बनेंगे बेटे, बहुत जल्द बनेंगे। जब तुम बड़े हो जाओगे, हम और तुम मिल के कमाएंगे तो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। ठीक है पापा, हम जब अमीर बन जाएंगे ना, एक रशियन मंगाएंगे। हमारा काम करते करते हालत खराब हो गया, ये रशियन मंगाएगा। भाई तेरे लिए रिश्ता आया है। मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा। अरे जा रे, तेरे पसंद की तो सब्जी भी घर पे नहीं बनती। गजब बेइज्जती। गाड़ी मैं चलाऊंगा ना? तूने चलाएगा? मतलब वो भरोसा ना है? बिल्कुल भरोसा ना, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ठीक है, जब दोस्ती तो भरोसा ना हो तो मैं जा रहा हूँ। आपका आज रिजल्ट था ना? हाँ, फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट आए हो, पर आप तो बोलते थे कि पूरा दिन सोते रहते हो। हाँ, प्रिंसिपल मैडम के साथ। हमेशा जो है मेरे होंठों के बारे में बुराइयां करते रहते हैं। कौन सा, ऊपर वाला होंठ, नीचे वाला होंठ? नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा, बस ये जान ले महबूबा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे बेबी क्या हुआ? मेरे ना चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं दबा दूं? समझ रहे हो, समझ रहे हो? अरे मैं तो दबा दूं, दबा दबा। बेटा अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। कोई बात नहीं, घर जाते ही लूट लेगा। यार एक बात सुनना। हाँ? तो मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? नहीं यार, मतलब नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है? अरे पॉसिबल नहीं है यार। क्या कमी है तुझमें? आज मैं तुम्हारे कान में डालूंगा। मैं बहरी हो गई तो? इतने बार मुंह में डाला है, गूंगी हुई क्या? ये मेरा इश्क औरों जैसा नहीं है, अकेले रहेंगे पर तेरे रहेंगे। कवि अपनी पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि वो मुठ मार लेगा पर धोखा नहीं देगा। सारे गोरिल्ला के झाड़ में भरे हुए डैंड्रफ। अरे तेरे चक्कर में भी पेट्रोल, चल चले। चले? यप। अनुरा, तुम्हें केला खाना पसंद है? नहीं, मुझे संतरे पसंद।
बेटा। हाँ जी मम्मा। बेटा उम्र हो गई है, शादी कर लो। तो मम्मी फिर ढूंढ दो कोई 20 साल वाली। और अगर 20 साल वाली नहीं मिली तो? तो 10 वाली दो। बदतमीज। तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, मेरी समझदारी या मेरी सुंदरता? एक बात बताओ, दर्द और खुशी का एहसास एक साथ कब होता है? बोलू क्या? बता ना, बता क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? 50 रुपए बचाने के चक्कर में ऑटो छोड़ के 5 किलोमीटर पैदल चल के आई। तो क्या हुआ? वो 50 रुपए रास्ते में ही गिर गए। मेरी दुनिया तबाह हो गई है। अरे भैया एक टैक्सी देना। पीने के लिए नहीं, गार्ड होने के लिए। की बड़े साले छोटे, पहले को टैक्सी देना। पैसा दे कि नहीं? नहीं, गार्ड दे दो। अरे भैया दूध है? हाँ भैया है। कितने रुपए लीटर? 100 रुपए लीटर भैया। अरे उसके तो 50 रुपए मिल रहे। अरे तो उसकी भैंस रंडी है साली। ठीक है दे दो। गाइस आप, मुझे प्रतीक ने रोज दिया, अब से मैं इसको रोज दूंगा। गिरा होया बंदा जमा नीचे बली है। आरओएसी। आप इतना अच्छा डांस करती हैं, इतनी माहिर हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपकी मम्मी जी जो हैं, उनके अंदर भी ये कला तो होगी। जी हाँ है। तो आज माँ बेटी को ठोको ठोको। जो बॉयज होते हैं वो सबसे पहले गर्ल्स में क्या नोटिस करते हैं? क्वेश्चन सही बताना। एक्चुअली डिपेंड करता है कि लड़की आ रही है या जा रही है।